नमस्कार सांग माने मु संतोष महांती मु आपनको पुन थरे मो चैनल विद्युत ज्ञान को आपनको स्वागत करूची। आ लास्ट वीडियो रे मु आपनको ओम्स लॉ विषय रे डिस्क्राइब करथिली किंतु से वीडियोटा एते भी भलो व्यूज आसीनी तो मु आपन मानको रिक्वेस्ट करूची से वीडियोटा को देखंतु आ ओम्स लॉ विषय रे किछ जानंतु। तो आज ए वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा टीपीसीओडीएल जो बाहरी एबे खुली नुआ खुली कस्टमर केयर सेंटर से कस्टमर केयर सेंटर कौन लोक मैंने कंज्यूमर मैंने केमिति कस्टमर केयर सेंटर रु लाभ उठाई पारे कौन कले कस्टमर केयर केमती कौन आम कस्टमर केयर सहित कंटाक्ट करपर से विषय आज आम वीडियो रे डिस्कशन करवा। तो चलत जानवा कस्टमर केयर कौन पे खोल जाए कस्टमर केयर फास्ट कौन कस्टमर केयर हूँ गोटे एमती जमी आप मोबाइल फोन यूज कर सीम जो यूज करदी आपंक सीम्रे डाटार किसी प्रोब्लेम है कि जेकोसी गोटे इश्यू आपण सॉल्व न करि पारनांति सेति पई आपण कांटेक्ट करूछंति का सहित ना कस्टमर केयर सहित सेमति टाटा पावर मध्य आपणको निकटरे एक कस्टमर केयर सर्विस ओपन करिछि आपणकर विद्युत रिलेटेड जे कोनोसी प्रॉब्लम हो आपणको आ कोनोसी कर्मचारी कि विद्युत विभाग कर्मचारी कि जाई कि कहिहेकु पडिबोनी आपण डायरेक्ट कॉल सेंटर माध्यम रे कांटेक्ट करिकि आपणको कंप्लेंट रजिस्टर करि परिबे। हां आज्ञा कंप्लेंट रजिस्टर करि परिबे आ आपणको कंप्लेंट विदिन 3 आवर भितर आपको नोटिफिकेशन मिल जाव कंप्लेन रिजर्व आपणकर घर कार्बन कॉल हो कि बिल विषय किसी आपणकर फल्टी किसी आसला बिल विषय हो कि जेकोसी आप बिल जहाँ भी रिलेटेड आपंकर विद्युत पावर कट है कि कौन है आपड़ी जानवाक चाहिए कस्टमर केयर सहित भी कंटाक्ट करके जापर जेकोसी विद्युत रिलेटेड टीपीसीओडीएल जेकोसी भी काम थी आप कस्टमर केयर सहित कंटाक्ट करके आपण नलेजटा को गेन करेंगे। तो सांग माने मोर ये वीडियो टी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। तो सांग माने चालंतु जानिबा केमिति कोन कस्टमर केयर रे कंप्लेंट रजिस्टर करा जिवो आ कंप्लेंट नंबर कोन आ सब कंप्लेंट रिलेटेड केमिति कोन कंप्लेंट देबे केमिति कोन रिसीव हेला जदि कंप्लेंट देले आपनको जदि कंप्लेंट काम न देला आपनको कंप्लेंट अगेंस्ट रे जदि किछि एक्शन न निहला का सहित कोन कांटेक्ट केमिति कोन करबे से विषय रे आज डिस्कशन करबा आमे। तो समस्त गूगल रे यूज जानतन समस्त पाखे स्मार्टफोन अछि तो गूगल को जाई कि आपन एठी सर्च करबे टीपीसीओडीएल ओडिशा कस्टमर केयर नंबर ये आप सर्च कलापर ये आप जो नंबर आसला 1800345712 नंबर आप व्हाट्सएप करेंगे कल करेंगे ये भी आपको लिखिदी प्लीज कांटेक्ट आवर सेल सेंटर एट 1918 1918 हूँ टोटल होल टीपीसीओडीएल कंप्लेन नंबर आप नंबर में कल करके 1918 कल करके कंप्लेन देपारे कौ कौ विषय में कंप्लेन देवे भी ये लिखाई जाइए से लिखिदी फर एनी इनक्वारी फॉर रजिस्ट्रेशन कंप्लेन रिगार्डिंग नो पावर सप्लाई बिल पेमेंट मीटर बॉन्ड डैमेज इत्यादि जदि आपणकर घरे पावर सप्लाई ना कार्बन हो जाए आपड़ आउ डायरेक्ट कर्मचारी मानक विद्युत कर्मचारी मानक कॉल न करी आप डायरेक्ट कंप्लेन देपारे कंप्लेन से माने कंप्लेन सेंटर वाला कंटाक्ट करें जी कंप्लेन फरवर्ड करेंगे से माने आसिक आपम 2-3 घंटा भितर जिते जल्दी पाइबे से माने काम सरी सारे चेष्टा करेंगे एथिपे आपको कौन शुल्क देवाक पड़ा ना कि कौन गोटे टंका भी देवा पड़ा ना से आसिक मगणारे करके तापर जदि आपणकर बिल उपर कौन कंप्लेन अच्छी बिल रे पेमेंट भूलभाल अच्छी कि बिल आ पेमेंट उपर जदि आपणकर कौन प्रकार कंप्लेन अच्छी आप बुझिपार ना जापार ना तो आपड़ से ही कस्टमर केयर को फोन करके कंप्लेन देपारे से माने आपको बिल विषय में सब कुछ बुझेदेवे जदि आपणकर मीटर बंद हो जाए डैमेज हो जाए जदि मीटर जली जाए कौन फायर एक्सीडेंट हो मीटर जल जा लोक मैंने कौन कर मीटर जल्लापर निजे निजे डायरेक्ट कर दूसरी ना आज्ञा सेमती करते सेमती करने द्वारा आपंकर डायरेक्ट चलने द्वारा आपको बहुत असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो आपर फाइन भी पड़पे तो सतर्क हो जातु एवं कंप्लेन दिंतु मीटर बंद जी है कंप्लेन दिंतु विद्युत कर्मचारी मैंने आसिक मीटर नुआ मीटर बसइबे कि नुआ ये करें तो जदि आप कंप्लेन रजिस्टर कलापर भी आप कंप्लेन एगेंस्ट किसी एक्शन निया जाऊनी आपन एटी डायरेक्ट सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ऑफिसर मानकर नंबर डायरेक्ट ये अच्छी आप देखिपे ये इलेक्ट्रिकल सर्कल नंबर भुवनेश्वर नंबर 1 भुवनेश्वर ऑफिसर अच्छा जीएम अच्छा श्री जेके मिश्र फोन नंबर दिखाई आउ इमेल आई डी दिखाई तापर भुवनेश्वर
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ଶର୍ମା ଅପରେସନ୍ ହେଡ୍, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସବୁ ସର୍କଲ ଅଫିସରଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଜଣାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ, ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ବିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ କାମ ହେବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କ'ଣ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ଏଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।